हाँ तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक मंकी है और किसी पेड़ की ब्रांच से मंकी लटका हुआ है, और यहाँ से कोई हंटर है जो उस मंकी का शिकार करना चाहता है, वो क्या करता है, गन को मंकी की तरफ एम करता है, मतलब एक गन एम किया गया मंकी की तरफ, और वो जैसे ही यहां से अपना बुलेट फायर करता है उसी टाइम पे आवाज होती है। तो जैसे ही यहां से बुलेट फायर होती है वैसे ही ये मंकी अपने हाथ छोड़ देता है। तो मंकी जैसे ही अपने हाथ छोड़ देगा तो मंकी ऐसे नीचे गिरेगा, और यहां से बुलेट फायर हो चुकी है तो बुलेट ऐसे चल के जाएगी, और आपको ये बताना होता है कि बताइए मंकी मरेगा कि नहीं मरेगा। तो इसका आंसर है कि अगर बुलेट इस लाइन तक पहुंच पाई तो ये मंकी जरूर मरेगा, ठीक। हाँ, अगर बुलेट इस लाइन तक पहुंच ही नहीं पाई तो मंकी नहीं मरेगा, लेकिन अगर बुलेट इस लाइन तक पहुंच पाई तो ये मंकी जरूर मरेगा। क्यों? तो देखिए इसको मैं समझाता हूं, पूरा डिस्कशन सुने। आप एक सेकंड के लिए अज्यूम करिए कि ग्रेविटी जीरो है। तो अगर ग्रेविटी जीरो है तो अगर मैंने बुलेट को इस डायरेक्शन में फायर किया है तो बुलेट मेरा ऐसे सीधे चल के जाएगा, सीधे चल के जाएगा और बुलेट यहां पर पहुंचेगा, ठीक। अब मैं कह रहा हूं कि ये डिस्टेंस तो मेरा फिक्स है, मैं इस डिस्टेंस को मान लेता हूं डी। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे बताइए इस बुलेट को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर मुझे ये टाइम निकालना है तो आप क्या करिए, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूज कर लीजिए। मैंने माना कि टाइम टी नॉट लगेगा, तो टी नॉट का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा डी अपॉन यू कॉस थीटा। तो अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम होगी तो टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए ग्रेविटी नॉन जीरो है, तो ग्रेविटी नॉन जीरो है तो देखिए अभी भी यहां से यहां तक जाने का जो टाइम लगेगा वो अभी भी इतना ही लगेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इक्वेशन को वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है। तो अगर ग्रेविटी नहीं होती तो बॉल हॉरिजॉन्टल में डी डिस्टेंस कितने टाइम में चलती, टी नॉट टाइम में चलती। तो अगर ग्रेविटी है तो भी आपकी बुलेट हॉरिजॉन्टल में डी डिस्टेंस कितने टाइम में चलेगी, टी नॉट टाइम में ही चलेगी। अब बात करते हैं वाई डायरेक्शन की, वाई डायरेक्शन में चेंज आएगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक बार ए वाई को हम जीरो मान रहे हैं और एक बार ए वाई को हम क्या मान रहे हैं, माइनस जी, डाउनवर्ड को नेगेटिव बोलेंगे, ठीक। तो मैं कह रहा हूं कि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो देखिए अगर आपका ग्रेविटी नहीं होता तो मैं हाइट को एच मान लेता हूं, तो अगर मेरा ग्रेविटी नहीं होता तो मेरा जो बुलेट है वो बुलेट वाई डायरेक्शन में कितने चल के जाता, एच चल के जाता। लेकिन इस बार मेरे पास बुलेट है तो इस बार हमारे पास ग्रेविटी कंसीडर करना है, तो हमारा बुलेट जो है इस बार एच हाइट तक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इक्वेशन देखो कि y डायरेक्शन का हम जब डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो क्या आएगा, uy into t plus half of ay into t square। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो sy equal to uy into t minus half of ay into t square, ठीक। अब uy कितना होगा, तो uy कितना होगा आपका, वो होगा u sin theta। तो मैं वैल्यू पुट करके बताता हूं, तो एस वाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन ये कितना आया, ये आया यू साइन थीटा। टाइम कितना लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा, डी अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ ऑफ ए वाई, किसके बराबर है, जी के बराबर है, और टाइम लगा है टी नॉट स्क्वायर। मैं टी नॉट की वैल्यू अभी नहीं पुट कर रहा हूं, टाइम टी नॉट लगा है। तो मैं कह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जो आया इतने टाइम में, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो देखो ये टर्म जीरो होती, तो आपकी बुलेट यहां पहुंच गई होती, तो ये एच किसके बराबर होगा, तो यहां से आप टेन थीटा लिखो, टेन थीटा किसके बराबर आएगा, एच अपॉन डी। तो एच को क्या लिखा जा सकता है, डी टेन थीटा, इसका हमें जरूरत यहां पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, डी टेन थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं एच माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर। इसका मतलब अगर ये जी जीरो होता तो ये बुलेट टी नॉट टाइम में यहां पहुंच गई होती, लेकिन इस बार जी जीरो नहीं है, मतलब ग्रेविटी को जीरो नहीं लेना है, नॉन जीरो लेना है, तो इसकी जो बुलेट, जो हमारी बुलेट है वो एच हाइट से थोड़ा कम चल के गई, और कितना कम चल के गई, हाफ जी टी नॉट स्क्वायर। इसका मतलब मेरा जो बुलेट है वो इस बार यहां नहीं पहुंचा होगा, इस बार मेरा बुलेट कहां पहुंचा होगा, कहीं यहां पहुंचा होगा।
तो ये और जो मेरा ये y होगा, ये y किसके बराबर होगा, ये होगा h माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर। ठीक, बुलेट को यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम टी नॉट लगा है, तो इस टी नॉट टाइम में अगर ग्रेविटी नहीं होती तो बुलेट यहां होती, और ग्रेविटी है तो बुलेट वहां नहीं है, बुलेट यहां तक है। तो बुलेट इस वाले पॉइंट से कितना नीचे है, तो बुलेट इस वाले पॉइंट से कितना नीचे है, ये है हाफ जी टी नॉट स्क्वायर। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं, अब आप सोचो कि आपके मंकी ने तुरंत हाथ छोड़ दिए थे, तो मंकी का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जीरो। तो जो मंकी है, मंकी को यहां तक गिरने के लिए कितना टाइम मिला, टी नॉट टाइम मिला, मतलब टी नॉट टाइम बाद मेरी बुलेट इस वाले पॉइंट से पास कर रही होगी, और मंकी ने भी टी इक्वल टू जीरो पे हाथ छोड़ दिए थे, तो टी इक्वल टू टी नॉट पर मंकी कहां होगा, तो मंकी कितना गिरेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, हाफ जी टी नॉट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो मंकी भी इस वाले पॉइंट से उतना ही नीचे है जितना बुलेट इस वाले पॉइंट से नीचे है। इसका मतलब मंकी और बुलेट दोनों एक जगह पर है, इसका मतलब बुलेट मंकी को लग जाएगी और मंकी क्या होगा, मर जाएगा। अब आप सोचो कि यू मान लो बहुत ज्यादा होगा, यू बहुत ज्यादा होता तो ये टी नॉट है, टी नॉट की वैल्यू कम आती, टी नॉट की वैल्यू कम आती, इसका मतलब बुलेट यहां से यहां तक जल्दी पहुंच जाती, इसका मतलब मंकी को भी गिरने को कितना टाइम मिला, कम टाइम मिला। क्यों, क्योंकि टी नॉट टाइम मिला ना, जैसे ही बुलेट फायर की थी वैसे ही मंकी ने हाथ छोड़ दिए थे, तो मंकी नीचे गिरता आ रहा है, नीचे गिरता आ रहा है, नीचे गिरता आ रहा है, तो टी नॉट समय पे मंकी यहां से कितना नीचे होगा, हाफ जी टी नॉट स्क्वायर, और बुलेट भी यहां से कितनी नीचे होगी, हाफ जी टी नॉट स्क्वायर। तो अगर टी नॉट कम होगा तो ये हाइट कम होगी, और टी नॉट ज्यादा होगा तो हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब ये मंकी मरेगा जरूर, अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो मंकी कम हाइट पे, मतलब मंकी यहां से ग्राउंड से ज्यादा हाइट पे मरेगा, मतलब जो ब्रांच है ब्रांच से कम डिस्टेंस में मंकी मरेगा अगर स्पीड ज्यादा होगी। तो देखिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, तो एक डायग्राम मैं आपको यहां और बना देता हूं, आप ऐसे देखें कि मान लेते हैं इस लाइन के अलावा मंकी गिरेगा, ठीक, यहां से ये मंकी है, ये मान लेते हैं मंकी है, ठीक, और यहां से बुलेट फायर की गई थी मंकी की तरफ, मंकी को एम करके, ठीक। अब मेरे पास देखिए कई सारी स्पीड है, मैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से बुलेट फायर कर सकता हूं, मान लेते हैं, तो मान लेते हैं कुछ स्पीड ऐसे वाली है, कुछ स्पीड ऐसे वाली है, कुछ स्पीड ऐसे वाली है, ठीक। ये थोड़ा सा डायग्राम, ठीक है, मैं डायग्राम करेक्ट कर देता हूं, हाँ अब देखिए, ठीक। तो देखिए अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो आपका जो बुलेट है वो यहां से यहां तक जल्दी पहुंच गया होगा, तो बुलेट यहां से थोड़ा कम नहीं, अगर टी नॉट कम होगा तो ये वाली लेंथ कम होगी, इसका मतलब मेरा अगर स्पीड ज्यादा होगा तो बुलेट यहां से पास करेगी, स्पीड कम होगा तो बुलेट यहां से पास करेगी, स्पीड और कम होगा तो बुलेट यहां से पास करेगी, स्पीड और कम होगा तो बुलेट यहां से पास करेगी, स्पीड और कम होगा तो बुलेट यहां से पास करेगी, और स्पीड और कम होगा तो बुलेट आपकी ऐसे जाएगी, और अगर स्पीड इससे भी कम होगा तो बुलेट ऐसे यहीं गिर जाएगी। तो अगर बुलेट यहीं गिर गई तो मंकी तो नहीं मरेगा, लेकिन अगर बुलेट इस लाइन तक गई है तो आपका मंकी और बुलेट इस वाले पॉइंट से सेम डेप्थ पर हैं, मतलब दोनों एक ही जगह पर हैं। तो अगर ये स्पीड u1 है, ये स्पीड u2 है, ये स्पीड u3 है, ये u4 है, ये u5 है, ये u6 है, तो आपका u1 ज्यादा है u2 से, u2 ज्यादा है u3 से, u3 ज्यादा है u4 से, u4 ज्यादा u5 से, u5 ज्यादा है u6 से, मतलब आपका जो मंकी है वो मरेगा जरूर। अगर आपने तेज फायर की है तो मंकी ग्राउंड से ज्यादा हाइट पर मर जाएगा, और अगर आपने स्लो फायर की है तो मंकी ग्राउंड से कम हाइट पर मर जाएगा। तो देखिए मंकी बच सकता था अगर उसने अपने हाथ तुरंत नहीं छोड़े होते, या तो वो हाथ पहले छोड़ता और या हाथ वो अपने बाद में छोड़ता तो मंकी बच सकता था। क्यों, क्योंकि आप सोचो मंकी अगर थोड़ी देर बाद चला होता तो मंकी को चलने को कम टाइम मिला, मंकी को चलने को टाइम मिला तो मतलब जब बुलेट यहां होगी तो मंकी यहां नहीं होगा, क्योंकि मंकी को एग्जैक्ट उतना टाइम नहीं मिला। जब बुलेट यहां से निकली, बुलेट यहां से यहां तक टी नॉट पे पहुंची, मंकी ने भी तुरंत हाथ छोड़ दिया तो मंकी यहां पहुंच गया। अब मैं सोचता हूं कि मंकी लेट हाथ छोड़ा, तो मंकी लेट हाथ छोड़ा तो मंकी को कम टाइम मिलेगा, तो मंकी यहां नहीं होगा, मंकी कहां होगा, ऊपर होगा, मतलब बुलेट कहां से निकल जाएगी, उसके
नीचे से निकल जाएगी। ठीक, तो देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए इस पे बेस एक एग्जांपल होता है। क्या एग्जांपल होता है मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड है और यहां से एक प्रोजेक्टाइल को, एक पत्थर को फेंका गया और मान लेते हैं ये उसका पाथ है और ये आपका मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है। ठीक, अब क्या करते हैं यहां से एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। मैं पहले एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इधर कौन किया गया है, आपने इधर ऐसे बुलेट को फायर किया, बुलेट या पत्थर जिसको भी फेंका है। ठीक, अब यहां से क्या करते हैं एक ऐसे लाइन बनाते हैं, वर्टिकल लाइन। ठीक, अब क्या करते हैं इस पॉइंट का नाम दे देते हैं लेट से ए, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं लेट से बी और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं लेट से सी। और आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए ये जो बी सी है और जो ये ए बी है इसका रेशियो क्या है, बी सी और ए बी का रेशियो क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक, अब देखिए मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं बी सी और ए बी का रेशियो क्या आएगा। अब देखिए ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, मतलब यहां से यहां तक जाने का जो टाइम है वो कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है, टी बाई टू। ठीक, अब अगर देखो ये एंगल अगर थीटा है और ये स्पीड अगर यू है, ये स्पीड अगर यू है, ये स्पीड यू है तो ये कंपोनेंट क्या आएगा, यू साइन थीटा। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जो ये वाली डिस्टेंस होगी यहां से लेके यहां तक, अब आप सोचो कि अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये वाला पॉइंट यहां पहुंचता, लेकिन ग्रेविटी है तो ये वाला पार्टिकल यहां ना पहुंच के कहां पहुंच पाया है, यहां पहुंच पाया है। इसका मतलब हाफ जी इंटू टी वाई टू का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, आपके सी पी के बराबर होगा। ठीक, और अगर हम इसकी बात करें कि ये ए बी किसके बराबर है, तो देखिए ए बी भी किसके बराबर है, आपको ए बी भी बताते हैं। तो देखो ए बी किसके बराबर है आपका, तो ए बी बराबर है आपका किसके, मैक्सिमम हाइट के। तो ए बी को आप ऐसे लिख दें क्या, अच्छा इसमें टी को आप वो पुट कर लीजिए कौन, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो देखिए कितना आया है, जी बाई टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए टी बाई टू की वैल्यू क्या होगी, यू साइन थीटा अपॉन जी, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। ये किसके बराबर है, सी बी के। तो सी बी यहां से कितना आया, ये आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। और जो हमारा ए बी होगा वो कौन है, मैक्सिमम हाइट ए बी, वो एच के बराबर है। एच के फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ए बी है और जो आपका बी सी है वो दोनों बराबर हैं, तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका, वन। तो कुल मिला के बात ये थी कि ये बीसी को लिखना, बीसी कैसे लिखेंगे, तो बीसी क्या होगा, तो आपकी बॉल, आपका जो भी पार्टिकल आपने फेंका, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो टी नॉट वाई टू टाइम के बाद यहां होता, लेकिन ग्रेविटी है तो वो यहां नहीं होगा, इससे थोड़ा नीचे मिलेगा, कितना नीचे मिलेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। मतलब बीसी किसके बराबर है, हाफ जी टी, टाइम कितना यहां से आता है, टी बाई टू, मतलब बीसी कितना हुआ, हाफ जी टी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है।